नमस्कार, सोहार मैं पायल त्रिवेदी और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का, तो चलिए जानते हैं झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जेएसएससी सीजीएल एग्जाम रद्द करने को लेकर छात्रों ने दुमका और साहिबगंज में की सड़क जाम, वाहनों की लगी लंबी कतार। जेएसएससी सीजीएल एग्जाम में गड़बड़ी को लेकर छात्र समन्वय समिति ने गुरुवार को झारखंड बंद का आह्वान किया है। कई संगठनों में इस बंद को अपना समर्थन दिया है, जिसका कई जिलों में व्यापक असर देखने को मिला है। दुमका के फूलों चानो चौक छात्र संगठनों ने चक्का जाम कर दिया है, इस वजह से वाहनों की लंबी कतार लग गई है। रामपुर हाट, दुमका, पाकुड़, साहिबगंज रोड पर वाहनों का आवागमन प्रभावित हो गया है। वहीं साहिबगंज में भी ऐसे ही नजारा देखने को मिला। साहिबगंज हॉस्टल के आदिवासी छात्र सुबह से सड़क पर उतर आए और शहर घूम घूम कर बाजारों को बंद कराया। विनोद मुर्मू के नेतृत्व में अभ्यर्थियों ने सुबह 9 बजे से ही सड़क जाम कर दी। रांची वालों के लिए खुशखबरी, कल से कांटा टोली फ्लाईओवर पर दौड़ने लगेगी गाड़ियां। झारखंड सरकार 4 अक्टूबर को कांटा टोली फ्लाईओवर का उद्घाटन करने जा रही है, जिसका निर्माण 2 दशक से अधिक समय से लंबित था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस फ्लाईओवर का उद्घाटन करेंगे। इस फ्लाईओवर को 224.94 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है। फ्लाईओवर की लंबाई 2240 मीटर है, वहीं इसकी चौड़ाई 16.6 मीटर है। बता दें कि कांटा टोली फ्लाईओवर का निर्माण लगभग हो चुका है, लेकिन रैंप का निर्माण बाद में किया जाएगा। फ्लाईओवर का खादगड़ा बस स्टैंड के पास नामकुम की ओर जाने के लिए और उसके सामने पेट्रोल पंप के पास लालपुर जाने के लिए रैंप का निर्माण किया जाना शेष है। दुर्गा पूजा 2024, करोड़ों की लागत से बना अयोध्या राम मंदिर प्रारूप का पूजा पंडाल। सबसे पहले 28 फीट 3D हनुमान के होंगे दर्शन। कलश स्थापना के साथ ही आज से नवरात्र की शुरुआत हो गई है। 9 दिन तक मां दुर्गा की आराधना हर्षोल्लास के साथ इस बार भी करने की तैयारी है। पहले दिन से ही भक्तों का उत्साह देखकर पता चलता है कि इस बार रांची सहित पूरे झारखंड में दुर्गा उत्सव खास रूप से मनाया जाएगा। इन सबके बीच इस बार रांची के पुराने विधानसभा मैदान में बना पूजा पंडाल श्रद्धालुओं के लिए खासा आकर्षण का केंद्र है। अयोध्या श्री राम मंदिर के जैसा बना पूजा पंडाल श्रद्धालुओं के लिए खास है। श्री रामलला पूजा समिति द्वारा तैयार इस पूजा पंडाल की लागत करीब 1 करोड़ है। पूजा समिति के अध्यक्ष अशोक चौधरी ने बताया कि उन्हें यह प्रेरणा अयोध्या श्री राम मंदिर के दर्शन कर लौटने के बाद हुआ है, जिसे भव्य रूप में तैयार करने की कोशिश की जा रही है। धुरवा सेक्टर 2 में बने इस पूजा पंडाल में प्रवेश करते ही श्रद्धालुओं को 28 फीट 3D हनुमान जी के दर्शन होंगे। इसके बाद भगवान श्री राम मिलेंगे और फिर पंडाल के अंदर मां दुर्गा का भव्य रूप दिखेगा। 3D बजरंगबली दूर से ही मैदान के किसी भी कॉर्नर से दिखाई पड़ रहे हैं। पूजा समिति के अध्यक्ष अशोक चौधरी के अनुसार पूजा पंडाल का निर्माण फाइबर से किया गया है, जिस पर बारिश और तेज हवा का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फायर फाइटिंग की भी विशेष व्यवस्था की गई है। इस पूजा पंडाल का निर्माण बंगाल से आए करीब 100 कलाकार मिलकर कर रहे हैं। ये पिछले 1.5 महीने से लगे हुए हैं। इस पूजा पंडाल को 5 अक्टूबर को संध्या 5 बजे से खोल दिया जाएगा, जिसके बाद श्रद्धालु यहाँ आकर दर्शन कर सकेंगे। जाने कब जारी हो सकता है झारखंड सीजीएल परीक्षा का परिणाम। झारखंड सीजीएल परीक्षा जो कि 21 और 22 सितंबर को पूरे राज्य में आयोजित हुई थी, इसका आंसर की जारी हो चुका है और अब सभी छात्रों को बेसब्री से परिणाम का इंतजार है। बता दें कि इस परीक्षा को लेकर पेपर लीक का आरोप छात्रों द्वारा लगाया जा रहा है, हालांकि इस आरोप की अब तक पुष्टि नहीं हो पाई है। ऐसे में जाने कब तक आ सकता है परीक्षा का परिणाम। कुछ दिनों पहले जेएसएससी द्वारा सीजीएल परीक्षा का आंसर की जारी किया गया था, जिसके बाद 5 दिनों तक उन्होंने आंसर की के प्रति आपत्ति दर्ज करने का समय दिया था। हालांकि इसके लिए फिर 2 दिन का समय और बढ़ा दिया गया और ऑब्जेक्शन विंडो को 2 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया था। अब यह कयास लगाया जा रहा है कि अगर पेपर लीक के आरोप सिद्ध नहीं हुए तो 10 से 15 दिन में आयोग इस परीक्षा का परिणाम जारी कर सकता है। इसके बाद चयनित उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के प्रोसेस से गुजरना होगा। इसके बाद उन्हें उनको नियुक्ति पत्र सौंप दिया जाएगा। झारखंड में आज नहीं हुई बारिश, साफ रहा मौसम। नवरात्रि के दौरान 5-6 अक्टूबर को हो सकती है हल्की बारिश। बीते 1 सप्ताह से झारखंड का मौसम साफ है, तेज धूप हर दिन की तरह आज भी धूप निकल रही है। मौसम की ऐसी स्थिति राजधानी रांची सहित पूरे झारखंड की है। रांची मौसम केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि फिलहाल अभी बारिश की संभावना नहीं है। आज अधिकतम तापमान में भी कोई बदलाव नहीं देखने को मिला। हालांकि दोपहर में कड़ी धूप से लोगों को गर्मी की स्थिति का सामना करना पड़ा, पर शाम होते होते मौसम थोड़ा ठंडा हो गया। इस दौरान अधिकतम तापमान 31 डिग्री व न्यूनतम 24 डिग्री दर्ज किया गया। झारखंड में पिछले
24 घंटे में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई। सबसे अधिक बारिश 15 मिलीमीटर सरायकेला में दर्ज की गई। सबसे अधिक तापमान 36.8 डिग्री सेल्सियस सरायकेला में, जबकि सबसे कम तापमान 22.9 डिग्री सेल्सियस मौसम केंद्र रांची में रिकॉर्ड किया गया। जिन जगहों पर बारिश हुई उसमें चाईबासा, गुमला जिले का रनिया और जमशेदपुर शामिल है। जेएसएससी सीजीएल के अभ्यर्थियों ने प्रधानमंत्री से की मुलाकात, परीक्षा में हुई गड़बड़ी की दी जानकारी। जेएसएससी सीजीएल के अभ्यर्थियों ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हजारीबाग में मुलाकात की। अभ्यर्थियों ने प्रधानमंत्री को सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 की में हुई गड़बड़ी की जानकारी दी। अभ्यर्थियों ने प्रधानमंत्री को बताया कि जेएसएससी द्वारा आयोजित परीक्षा में पेपर लीक हुआ और कई अभ्यर्थियों के पास प्रश्नों के जवाब पहले से ही उपलब्ध थे। अभ्यर्थियों ने यह भी बताया कि परीक्षा में पूरे राज्य में इंटरनेट सेवा बंद करने के बावजूद पेपर लीक हुआ। उन्होंने जेपीएससी में अध्यक्ष का पद खाली होने और अभ्यर्थियों की समस्याओं की भी जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने अभ्यर्थियों की बातें सुनी और आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री ने अभ्यर्थियों से ग्रीन रूम करीब 10 मिनट तक बातचीत की और उनकी समस्याओं की जानकारी ली। अभ्यर्थियों ने बताया कि जेएसएससी के समक्ष शांतिपूर्ण प्रदर्शन के बाद भी 14 नामजद और 1000 से अधिक अज्ञात अभ्यर्थियों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। साथ ही उन्होंने बताया कि पेपर 3 में गणित, रीजनिंग और कंप्यूटर के सभी 60 प्रश्नों को दोहराया गया था। वहीं हिंदी, अंग्रेजी के भी 120 प्रश्न रिपीट थे। अभ्यर्थियों ने कहा कि राज्य सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री से इस मामले में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। दुर्गा पूजा को लेकर रांची में प्रशासन अलर्ट, एसएसपी ने असामाजिक तत्वों के लिए दिए कड़े निर्देश। आज से दुर्गा पूजा की शुरुआत हो गई है। रांची में दुर्गा पूजा को लेकर विशेष तैयारी की जा रही है। दुर्गा पूजा को लेकर प्रशासन के अधिकारियों ने पूजा समिति के सदस्यों के साथ बुधवार को बैठक की है। बैठक में कई दिशा निर्देश दिए गए हैं। बैठक की अध्यक्षता डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने की। इस दौरान रांची एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा भी मौजूद थे। एसएसपी ने कहा कि रांची पुलिस धार्मिक स्थलों की सुरक्षा को लेकर विशेष रूप से एहतियात बरत रही है। उन्होंने सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वालों को लेकर सख्त लहजे में चेतावनी देते हुए कहा कि जो भी लोग सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का काम करेंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। पूजा पंडालों में सीसीटीवी के साथ फायर फाइटिंग सिस्टम के साथ पर्याप्त संख्या में पुलिस बलों को तैनात किया जा रहा है। सादे लिबास में भी पुलिस बलों की नियुक्ति की जाएगी। धार्मिक स्थलों और पूजा पंडालों की सुरक्षा के लिए गश्ती पार्टी को विशेष निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर पुलिस की नजर रहेगी। अफवाह फैलाने वाले लोगों पर भी नजर रहेगी। दुर्गा पूजा के दौरान 1000 से ज्यादा लोगों की सूची बनाई गई है जिन पर प्रिवेंटिव एक्शन लेने का निर्देश दिया गया है। बीजेपी छोड़कर 5000 लोग जेएमएम में हुए शामिल, मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने किया स्वागत। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने रमकंडा प्रखंड के उदयपुर पंचायत के पुंदागा दुर्गा पूजा मैदान में कार्यकर्ता सम्मेलन सह मिलन समारोह का आयोजन किया। कार्यक्रम का उद्घाटन झारखंड सरकार के मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में मंत्री ने कहा कि पूर्व के जनप्रतिनिधियों ने जनता को ठग कर वोट लिया और अपने हाल पर छोड़ दिया। झामुमो गरीब पिछड़े आदिवासी को हक दिलाने के लिए काम करती है। राज्य की जनता को रोटी, कपड़ा, मकान के लिए टकटकी लगानी पड़ी, लेकिन अबुआ सरकार ने जनता को लाभ पहुंचाया है। इस मौके पर बीजेपी छोड़कर कई वरिष्ठ नेताओं सहित पूरे रमकंडा प्रखंड के सभी पंचायतों से लगभग 5000 लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हुए। मंत्री ने माला व पार्टी का पट्टा पहनाकर सभी को पार्टी में शामिल किया। शिक्षकों के वेतन में 10% वृद्धि के लिए होगी परीक्षा, 28000 पैरा टीचर लेंगे हिस्सा। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग झारखंड सरकार की 2022 में जारी अधिसूचना में ऐसे प्रशिक्षित सहायक अध्यापक जो शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं है उनके मानदेय में वृद्धि के लिए आकलन परीक्षा का प्रावधान है। इसके लिए झारखंड अधिविद्य परिषद को अधिकृत किया गया है। अधिसूचना के आलोक में द्वितीय आकलन परीक्षा का आयोजन परिषद द्वारा किया जा रहा है। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू है। परिषद की ओर से आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। 1 से 26 अक्टूबर तक परिषद की वेबसाइट से आवेदन पत्र ऑनलाइन भरे जाएंगे। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क ₹500 और अन्य अभ्यर्थियों के लिए ₹750 निर्धारित है। परीक्षा शुल्क जमा नहीं करने पर प्रवेश पत्र निर्गत नहीं होगा। आवेदन भरते समय विषयों के चयन में सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। त्रुटि होने की स्थिति में परिवर्तन की संभावना नहीं है। जमशेदपुर से बेलगाम अपराधियों ने गोलमुरी थाना क्षेत्र में शर्मा फर्नीचर के शोरूम में की फायरिंग।
बीती रात बेलगाम अपराधियों ने गोलमुरी थाना क्षेत्र के बाजार स्थित शर्मा फर्नीचर के शोरूम में फायरिंग की घटना को अंजाम देकर सनसनी फैला दी है। सूचना पर पहुंचे पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। पुलिस ने घटनास्थल से खोखा और पिलेट बरामद किए हैं। बताया जाता है कि जिस वक्त गोली चालन की घटना हुई उस वक्त दुकान बंद थी। आशंका जताई जा रही है कि दहशत फैलाने और रंगदारी मांगने के उद्देश्य से अपराधियों ने उक्त घटना को अंजाम दिया है। विदित हो कि यह दुकान भाजपा नेता अभय सिंह के करीबी माने जाने वाले सुमित श्रीवास्तव की है। गोली शोरूम के दूसरे माले को टारगेट कर चलाई गई थी जिससे शोरूम के शीशे टूट गए हैं। पुलिस दुकान के मालिक से पूछताछ कर रही है। बता दें कि एक तरफ पुलिस दुर्गा पूजा को लेकर चाक चौबंद व्यवस्था होने का दावा कर रही है, दूसरी तरफ हत्या और फायरिंग से शहरवासी दहशत में है। रात में आदिवासी महिला से मिलने आया एसआई, ग्रामीणों ने बंधक बनाकर बिजली के खंभे से बांधा। झारखंड के गोड्डा में अवैध संबंध के शक में ग्रामीणों ने पत्थरगांवा थाना के पूर्व एएसआई रामलाल टूडू को बंधक बना लिया। ग्रामीणों का आरोप है कि टूडू अक्सर आधी रात को एक महिला के पास आता था जिसे लेकर गाँव में काफी नाराजगी थी। ग्रामीणों ने एएसआई रामलाल टूडू को पकड़कर रात भर बिजली के खंभे से बांधे रखा। ग्रामीणों के अनुसार एएसआई रामलाल टूडू मंगलवार रात 12 बजे के करीब गांव में अपनी आदिवासी महिला मित्र से मिलने आया था। आपत्तिजनक हालत में उसे महिला के साथ पकड़ा और जमकर पिटाई कर दी। इसके अलावा ग्रामीणों ने बताया कि टूडू काफी पहले समय से इस महिला के घर रात बिताने आ रहा था और अपनी पहचान छुपाने के लिए बाइक भी दूर खड़ी कर देता था। इस बार उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। घटना की सूचना मिलते ही कई थानों के पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और कई घंटों की मशक्कत के बाद एएसआई को ग्रामीणों से मुक्त कराया। गोड्डा के डीएसपी विनेश लाल ने बताया कि एएसआई को सकुशल बचा लिया गया है और उन्हें टाउन थाने में भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि टूडू शराब पीने के लिए गांव में गए थे, जबकि गांव वालों ने बताया कि उनका किसी महिला के साथ अवैध संबंध है। बाबूलाल मरांडी के खिलाफ मानगो थाने में शिकायत। मानगो थाना में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के खिलाफ लिखित शिकायत की गई है। यह शिकायत मानगो कुंवर बस्ती निवासी झामुओ ने तारुण सिंह ने की है। आरोप लगाया गया है कि बाबूलाल मरांडी द्वारा टीवी चैनल सोशल मीडिया के माध्यम से साजिश के तहत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ गलत बयानबाजी की जा रही है। हेमंत सोरेन के पिता शिबू सोरेन का झारखंड के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उनके परिवार का झारखंड में बहुत सम्मान है। बाबूलाल मरांडी अपनी पार्टी के लाभ के लिए अपमानित कर रहे हैं। लिखित शिकायत देने के लिए मतलू अनवर सहित अन्य पहुंचे थे। फयाज अहमद, अंकित सिंह, पिंटू रजक, फतेह चंद टूडू, प्रीतम हेम्ब्रम, समद अंसारी थाना पहुंचे थे। न्याय नहीं मिला तो हाईकोर्ट जाने का निर्णय। चौकीदार नियुक्ति के अभ्यर्थियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। चौकीदार नियुक्ति लिखित परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों ने लिखित परीक्षा में शारीरिक जांच एवं दौड़ के लिए चयनित अभ्यर्थियों की जारी सूची में धांधली और गड़बड़ी की शंका जताते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा कि अभ्यर्थियों को न्याय नहीं मिला तो हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा। लिखित परीक्षा में शामिल सभी अभ्यर्थियों का अंक जारी नहीं किया गया, इसके अभ्यर्थी में रोष है। अभ्यर्थियों ने बताया कि चौकीदार नियुक्ति विज्ञापन संख्या 1/2024 चौकीदार नियुक्ति की लिखित परीक्षा में शारीरिक जांच एवं दौड़ हेतु विभिन्न कोटि में चयनित अभ्यर्थियों की www.lathar.nic.in वेबसाइट पर जारी सूची में मनमानी और धांधली की गई है। विज्ञापन में जारी गाइडलाइन से हटकर नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। इस नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं है। खूंटी में पुलिस जवानों पर हमला, सूबेदार को गिरफ्तार करने पहुंची थी टीम। खूंटी में पुलिस जवानों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि घटना 3 दिन पहले की है। मामला खूंटी जिले के जरियागढ़ थाना क्षेत्र का है। पुलिस के अनुसार एक महिला ने फोन कर बताया कि उसके और उसके पिता के साथ उसका पति मारपीट कर रहा है, जिसके बाद जरियागढ़ पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस पहुंची तो पता चला कि अविनाश जमार बाजार शराब पीने चला गया। इसके बाद पुलिस बाजार पहुंची, आरोपी को हिरासत में ले लिया। इसी बीच आरोपी का भाई जोर जोर से चिल्लाने लगा कि पुलिस झारखंडी आदिवासी जवान को मार रही है। शोर मचाने के बाद आदिवासियों की भीड़ जुट गई और जवानों की ही पिटाई करने लगी। जवानों के साथ मारपीट देख बाजार में मौजूद ग्रामीणों ने जरियागढ़ पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंची और जवानों को छुड़ाते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मौत के 48 घंटे बाद भी संचालक पर एफआईआर नहीं। अवैध माइका खादान में चाल धसने से हुई थी दो नाबालिग की मौत। यूडी केस दर्ज कर पुलिस ने झाड़ा पल्ला। गिरिडीह के गावा थाना क्षेत्र के बोलखुट्टा माइका खदान में चाल धंसने से दो नाबालिगों की मौत के 48 घंटे बाद भी खदान संचालक पर केस दर्ज नहीं हुआ है। पुलिस ने सिर्फ यूडी केस दर्ज कर पल्ला झाड़ लिया है। वहीं वन विभाग कार्रवाई की बात कर रही है।
जिस तरह अवैध माइका खदान में चाल धंसने से दो नाबालिगों की मौत हुई और घटना के 48 घंटे बीत जाने के बाद भी कार्रवाई नहीं होना अपने आप में एक सवाल खड़ा कर रहा है। दरअसल बीते मंगलवार को बेलाखुट्टा पहाड़ में अवैध रूप से संचालित माइका खदान में उत्खनन के दौरान चाल धंसने से बेलाखुट्टा निवासी मुन्नी उर्फ अनुपमा कुमारी 13 वर्ष, बीरेंद्र यादव 16 वर्ष और निमाडीह के एक अन्य 15 वर्षीय बालक दब गया। घटना के बाद दो घायल नाबालिग अनुपमा कुमारी और बीरेंद्र यादव को गांवा अस्पताल में लाकर भर्ती कराया गया था, जहां चिकित्सकों ने अनुपमा को मृत घोषित कर दिया था, जबकि घायल बीरेंद्र कुमार बेहतर इलाज के लिए गिरिडीह रेफर कर दिया गया था, जबकि एक अन्य मृत नाबालिग के शव को माइका तस्करों ने छुपा दिया था। बाद में पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर खदान में घर तक छान मारा, लेकिन उसका शव बरामद नहीं हो पाया। बताया जा रहा है कि जब यह हादसा हुआ था वहां एक दर्जन से अधिक लोग माइका चुन रहे थे। जैसे ही अन्य लोगों को चाल धंसने की भनक लगी तो सभी लोग बाहर निकल गए, लेकिन इसी बीच तीनों नाबालिग वहीं दब गए। इस संबंध में वनपाल पवन चौधरी ने कहा कि माइका खदान में हुए हादसे के बाद खदान संचालक को चिन्हित कर लिया गया है, मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी, किसी भी सूरत पर दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। दुर्गा पूजा पंडाल दर्शन करने पहुंचे अर्जुन मुंडा, बोले यह शक्ति और शांति का देश रहा संदेश। जिले के आदित्यपुर एम टाइप स्थित प्रवीण सेवा संस्थान के भव्य दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन ओलंपियन सह जमुई की विधायक श्रेयसी सिंह ने फीता काटकर किया। श्रेयसी सिंह ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए श्रेयसी सिंह ने कहा कि पिता व स्वर्गीय दिग्विजय सिंह की मृत्यु के बाद जब मैं पूर्व विधायक अरविंद सिंह से उनके जमुई स्थित आवास पर मुलाकात की थी, तब अभिभावक के रूप में उन्होंने मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया था। पिता और माँ पुतुल सिंह से प्राप्त संस्कार के साथ मैंने बिहार का प्रतिनिधित्व किया और राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक प्राप्त किया। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के कॉमनवेल्थ गेम में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। श्रेयसी सिंह ने कहा कि मेरे लिए बिहार और झारखंड दोनों प्यारा है। उन्होंने नारी को सम्मान देने और बेटियों को आगे बढ़ने की अपील की। इस दौरान लघु नाटिका महिषासुर मर्दिनी का प्रदर्शन हुआ। वहीं कलाकारों के द्वारा फोक नृत्य, रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम, पारंपरिक लोक नृत्य प्रदर्शित किया गया। देर रात पंडाल के दर्शन करने पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री सह झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, जहां पहुंचा कमेटी के मुख्य संरक्षक सह पूर्व विधायक अरविंद सिंह ने अर्जुन मुंडा का स्वागत किया। पूर्व मंत्री अर्जुन मुंडा पंडाल उद्घाटन समारोह में शिरकत करने वाले थे, लेकिन हजारीबाग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में शामिल होने के चलते यहां देर रात पहुंचे। अर्जुन मुंडा ने बने भव्य पूजा पंडाल का अवलोकन किया और कारीगरी की तारीफ की। अर्जुन मुंडा ने कहा कि प्रवीण सेवा संस्थान का यह दुर्गा पूजा पंडाल शक्ति और शांति का संदेश दे रहा है। झारखंड पुलिस चुनाव को लेकर तैयार, कल करेगी प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए झारखंड पुलिस ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। झारखंड पुलिस 4 अक्टूबर को सभी रेंज के डीआईजी और जिलों के एसपी के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। यह कार्यक्रम धुरवा के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में सुबह 11 बजे से शाम के 5:15 तक आयोजित किया जा रहा है। यह प्रशिक्षण भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली से जारी मैनुअल के तहत दिया जाएगा। निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार और आईजी अभियान एवी होमकर पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण देंगे। बता दें कि झारखंड में जल्द ही आचार संहिता लग सकती है, इसी के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में पुलिस अधिकारियों को चुनाव संबंधी जानकारी दी जाएगी। उन्हें मतदान कर्मियों की सुरक्षा से लेकर बूथ की निगरानी तक की रणनीति से अवगत कराया जाएगा। शारदीय नवरात्रि की शुरुआत, कोडरमा में बन रहे पंडाल को नेपाल के बौद्ध मंदिर का दिया जा रहा स्वरूप। आज से शारदीय नवरात्रि की धूम शुरू हो गई है। आज नवरात्रि का पहला दिन है और आज मां दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा हो रही है। इसके साथ ही मां दुर्गा की प्रतिमा को अंतिम स्वरूप दिया जा रहा है। वहीं विभिन्न पूजा पंडालों को आकर्षक और भव्य रूप से तैयार करने में कारीगर दिन रात लगे हुए हैं। जिले के झुमरी तलैया में महाराणा प्रताप चौक दुर्गा पूजा समिति का पंडाल हर साल खास होता है। महाराणा प्रताप चौक पर नेपाल के बौद्ध मंदिर के तर्ज पर पूजा पंडाल तैयार किया जा रहा है और इसे तैयार करने में बंगाल और जामताड़ा के कारीगर पिछले एक महीने से दिन रात लगे हुए हैं। महाराणा प्रताप चौक पूजा समिति के लोगों ने बताया कि यहाँ पिछले 19 वर्षों से दुर्गा पूजा की जा रही है और यहाँ हर साल यूनिक पूजा पंडाल बनाए जाते हैं। साथ ही यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा का खास ख्याल रखा जाता है। समिति के लोगों ने बताया कि इस बार महाराणा प्रताप चौक पूजा पंडाल का आकर्षण का केंद्र लाइटिंग रहेगा। इसके साथ ही महिला और पुरुष श्रद्धालुओं के लिए अलग अलग प्रवेश द्वार बनाए जाएंगे। सुरक्षा को देखते हुए पूरा पूजा पंडाल सीसीटीवी कैमरे से लैस होगा। इसके साथ ही पूजा समिति के वॉलंटियर्स पूजा पंडालों में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा का पूरा ख्याल रखेंगे। कोडर
शर्मा में षष्ठी से पूजा पांडालों के पट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे, जिसके बाद पूजा पांडालों में श्रद्धालुओं की गहमा गहमी शुरू हो जाएगी। रांची पीएमएलए कोर्ट ने स्वीकार की पूजा सिंघल की याचिका। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की विशेष कोर्ट ने मनरेगा घोटाला के जरिए अवैध कमाई करने और उन पैसों की मनी लॉन्ड्रिंग करने की आरोपी निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की याचिका स्वीकार कर ली है। दरअसल पूजा सिंघल की ओर से याचिका दाखिल कर कहा गया था कि ईडी के पास कई ऐसे दस्तावेज है जो अनुसंधान के क्रम में जब्त किए गए हैं, लेकिन न्यायालय में दाखिल चार्जशीट में उन दस्तावेजों का जिक्र नहीं किया गया था। पूजा सिंघल की ओर से इन दस्तावेजों का अवलोकन करने की अनुमति मांगी गई थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। भुगतान की मांग को लेकर गिरिडीह के बाल मुकुंद स्पॉन्ज फैक्ट्री के बाहर मजदूरों के साथ धरना पर बैठे बिहार आरजेडी के पूर्व विधायक सरोज। गिरिडीह के बाल मुकुंद स्पॉन्ज आयरन फैक्ट्री में बुधवार की देर रात मजदूरों और उसके ठेकेदारों ने जमकर हंगामा किया। ठेकेदार और मजदूरों ने आरोप लगाते हुए कहा कि फैक्ट्री मालिक काम कराने के बाद अब कम भुगतान कर रहा है, और यही आरोप लगाकर ठेकेदार और मजदूर देर रात तक फैक्ट्री गेट पर जाम कर प्रदर्शन करना शुरू कर दिए। और ठेकेदार भी कोई मामूली नहीं बल्कि बिहार के भोजपुर के पूर्व आरजेडी विधायक सरोज यादव थे, लिहाजा फैक्ट्री मालिक ने इस दौरान देर रात ही आनन फानन में ही सूबे के श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता, डीसी नमन प्रियेश लकड़ा समेत कई अधिकारियों नेताओं को कॉल और एसएमएस करना शुरू कर दिया, लेकिन कहीं से मजदूरों और राजद के पूर्व विधायक सरोज यादव को राहत नहीं मिली। कोई उनके सुनने वाला भी नहीं था, यहां तक कि खुद उनके पार्टी के झारखंड से मंत्री भोक्ता तक सुनने को तैयार नहीं दिखे, लिहाजा मजदूरों के साथ पूर्व विधायक सरोज यादव ने गेट जाम कर दिया। इधर ठेकेदार और पूर्व विधायक सरोज यादव ने आरोप लगाया है कि फैक्ट्री मालिक के खिलाफ उनका कहीं सुनवाई नहीं हो रही है, जबकि फैक्ट्री मालिक 54 लाख बोलकर अब सिर्फ 45 लाख भुगतान कर रहा है, ऐसे में वो अब मजदूरों को कैसे भुगतान करें। तो यदि झारखंड की टॉप बड़ी खबरें, इसी तरह झारखंड की और भी तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।